नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब बातें करेंगे शानदार तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में, और वो भी आज कुषाण वंश के विषय में बातें होंगी, ठीक ना। कुषाण वंश विदेशी राजवंश है और ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत और चीन की जो सीमा है उस सीमा क्षेत्र में इस राजवंश का प्रादुर्भाव। प्रारंभ में इस राजवंश के जो शासक थे वो मिस्र के शासकों के अधीन हुआ करते थे। चूँकि इस राजवंश के शासकों के सिक्कों पर हारमिसस, एक और हारमिसस का चित्र है और दूसरी ओर आपको जो है कि कुषाण वंशीय शासकों के चित्र अंकित मिलते हैं। कुषाण वंश का विस्तार मगध यानी पाटलिपुत्र से लेकर कैस्पियन सागर तक था। वहीं पूर्व में हिमालय से लेकर, हिमालय के पार चीन के कुछ क्षेत्र से लेकर आपको जो है सौराष्ट्र प्रांत तक विस्तार था। कुषाण वंश के प्रारंभिक शासकों के उपाधियों से यह ज्ञात होता है कि ये शिव धर्म के, शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन कालांतर में कनिष्क जो इस राजवंश का सबसे महानतम शासक हुआ वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ और उसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो ये बातें इसलिए, अभी तो हम पूरे डिटेल में अंदर की चीजों को देखेंगे और समझेंगे। कुषाण राजवंश वास्तव में मौर्यों के भस्मावशेष पर उदित अंतिम राजवंश के रूप में हम सब पढ़ते हैं। मौर्यों के भस्मावशेष पर दो प्रकार के राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, एक देशी राज्य और दूसरा विदेशी राज्य। देशी राज्य में हम सब जो पढ़ते हैं शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश को, वहीं विदेशी राजवंशों में हिंद यूनानी वंश, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश, यानी कुल चार और तीन, सात राजवंशों के विषय में हम सब विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। उन्हीं राजवंश में से सबसे अंतिम विदेशी राजवंश कुषाण वंश था और आज हम कुषाण वंश के विषय में बहुत व्यापक तौर पे बातें करेंगे। तो आइए कुषाण वंश के विषय में हम सब देखते हैं कि कुषाण वंश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्या दशाएं थी, किस दिशा में आपको धार्मिक समाज की क्या मनोभाव था। तो इन सब चीजों के विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पहले हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण जो है कि बैचेस संचालित है, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल की बैच शानदार तरीके से आपको चल रही है। यूपी टेट की बैच 999 रुपए में आपको मिलेगी। सुपर टेट की बैच आपको जो है कि 1799 रुपए में मिलेगी। आपको यूपी पुलिस 1499 में, आरओ का 1999 में, और आपको यूजीसी नेट 999 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। हमारी संस्था उपलब्ध कराती है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यदि परचेज करने में कोई परेशानी आ रही हो तो 7007734525 पर आप कॉल कर सकते हो। बात हो रही है कुषाण वंश की और हम लोग कुषाण वंश में पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले अंतिम विदेशी आक्रांता कौन था। कुषाण थी। कुषाण चीन की यूची जाति या कबीले से संबंधित थे और कुषाणों के निम्न शासक ने भारत पर शासन किए, उनके विषय में हम सब देखेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। कुजुल कडफिसस, पहले हम इसके विषय में देखेंगे। कुजुल कडफिसस
खुजिल कटफिशस जो था ये कुषाण वंश का पहला शासक माना जाता है, जिसने प्रथम शताब्दी में यूची प्रदेश वासियों को एकीकृत किया और साम्राज्य को बढ़ाया। यानी कुजिल कटफिशस जो था ये प्रथम शासक था जिसने कुषाण वंश की आधारशिला को रखी और कुषाण वंश के साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था जिसने तांबे के सिक्के चलवाए थे और मथुरा में इस शासक के तांबे के सिक्के आपको जो है प्राप्त होते। तो इस तरीके से आप सबने कुजिल कटफिशस के विषय में देखा। कुजिल कटफिशस के बाद उसका पुत्र विम तक्षम या विम तक्षम के बाद उसका पुत्र विम कटफिशस, विम कटफिशस के बाद उसका पुत्र कनिष्क जो है गद्दी पर बैठा। विम तक्षम के विषय में हम सब देखते हैं, विम बड़ा शक्तिशाली था। इसके पिता कुजुल के द्वारा विजित राज्य के अतिरिक्त विम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विम ने राज्य की पूर्वी सीमा बनारस तक बढ़ा ली और इस विस्तृत राज्य का प्रमुख केंद्र मथुरा को इसके द्वारा बनाया गया। विम के बनाए सिक्के बनारस से लेकर पंजाब तक बहुत ढेर सारे मात्रा में आपको प्राप्त होते, ठीक ना। यानी विम तक्षम के विषय में हम सबने देखा। विम तक्षम कुषाण साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। विम तक्षम द्वारा जारी सिक्कों पर एक ओर राजा का तथा दूसरी ओर भगवान शिव की मूर्ति अंकित है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह शिव का भक्त था। इसके सिक्के बनारस से लेकर पंजाब तक आपको प्राप्त होते। ये महत्वपूर्ण बातें। अब विम तक्षम के बाद आपको जो है विम कटफिशस आता है। विम कटफिशस यहां पे मैंने पीछे शायद बच्चों ने टाइपिस्ट ने छोड़ दिया। विम कटफिशस, विम तक्षम के बाद उसका पुत्र विम कटफिशस बना, ठीक ना। तो विम कटफिशस जो था इसके विषय में आइए हम सब कुछ बातें देख लेते हैं, जान लेते हैं। विम कटफिशस कटफिशस याद रखिएगा, विम कटफिशस ये कनिष्क का पिता था या शैव धर्म का अनुयायी था। अनुयायी सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के इसने चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के सिक्के चलवाए। ये सारी बातें आप याद रखो। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उपाधि धारण के इसके सिक्कों पर सिक्कों पर
शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिके, आदि के चित्र अंकित मिलते हैं। इसके अलावा भारत में अस्थाई साम्राज्य का स्थापित करने वाला प्रथम कुषाण शासक, भारत में स्थाई शासन स्थापित करने वाला प्रथम कुषाण शासक तो ये पूरी बातें आप सब जो है विम कडफिसस के बारे में याद रखिए। विम कडफिसस को देखते चलिए, जानते चलिए, ठीक ना। विम कडफिसस के बाद हम सब बातें करेंगे कनिष्क के विषय में। ये देखिए कनिष्क है, कनिष्क 78 से लेकर 105 ईस्वी तक कनिष्क के द्वारा शासन किया जाता है। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क था और इसने भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला और प्रेमी होने का आपको जो है के नाते विशेष स्थान रखता है। यूची कबीले से निकलने यूची जाति ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की और भारत को कनिष्क जैसा महान शासक दिया, ये आप याद रखिए। भारत विजय के पश्चात मध्य एशिया में खोतान जीता और वहीं पर राज्य करने लगा। इसके लेख पेशावर, रावलपिंडी, सुविहार यानी बलावलपुर, जेद्दा एवेरावलपिंडी के पास है, मथुरा, कौसाम्बे, सारनाथ में मिलते हैं और इसके सिक्के सिंध से लेकर बंगाल तक पाए जाते हैं। कल्हण ने अपनी राज तरंगणी में कनिष्क द्वारा कश्मीर पर राज्य तथा वहां अपने नाम पर नगर बसाने का उल्लेख करता है, ठीक ना। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्राट कनिष्क का साम्राज्य कश्मीर से सिंध और पेशावर से लेकर सारनाथ तक पूरा विस्तृत था, ये आपको जो है जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण वंश का यह महान शासक था, इसकी उपलब्धियां निम्न थी। क्या क्या उपलब्धियां थी हम सब देखते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया, क्योंकि यह उसके राज्यारोहण की तिथि थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शक संवत 22 मार्च को प्रारंभ होता है। आजादी के बाद 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा शक कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित किया गया। कनिष्क के शासन काल में भारत ने पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने चीन के क्षेत्रों को मिलाया। कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपको हुआ, ये बात आप याद रखो। चतुर्थ बौद्ध संगति जिसकी अध्यक्षता वसुमित
और उपाध्यक्ष अश्वघोष बनाए गए। कनिष्क के द्वारा पहली बार चीन से रोम जाने वाले सिल्क रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया गया। यानी कनिष्क पहला ऐसा राजा था जिसने सिल्क रूट पर अपने एकाधिकार को स्थापित किया। ठीक ना, ये स्थापित करने वाला आपको पहला शासक के रूप तौर पे हम सब इसे देखते हैं। नेक्स्ट, कनिष्क स्वयं भी विद्वान था, उसके अलावा विद्वानों का महान आश्रयदाता था। इसके दरबार में पार्श्व वसुमित, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे महान विद्वान निवास करते थे। पार्श्व जो थे एक कनिष्क के राजगुरु या राजकवि हुआ करते थे। अश्वघोष बुद्ध चरित एवं सौंदरानंद ग्रंथ की रचना की, साथ ही साथ एक सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की भी रचना आपको इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नागार्जुन तर्कशास्त्र का विद्वान, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, शून्यवाद का प्रवर्तक कहते हैं, या इसे ही माध्यमिकावाद, माध्यमिका वाद का प्रवर्तक। इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, यानी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन के रूप में इसे जानते हैं। चरक उस समय का महान विद्वान था और चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है। किसका? आयुर्वेद का ग्रंथ, का ग्रंथ चरक संहिता था। ठीक ना, तो ये बातें आप याद रखो। कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर जिसे हम पेशावर कहते हैं और दूसरी मथुरा थी। पुरुषपुर जो थी ये प्रशासनिक राजधानी थी। और मथुरा जो थी इसकी राजनीतिक सांस्कृतिक राजधानी थी। तो इस तरीके से आप सबने बातों को नोट किया होगा। नोट करते चलिए, देखते चलिए, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। इसके बाहर आपकी परीक्षा में न कभी पूछा गया है न कभी पूछा जाएगा। फैक्चुरियल के रूप में इससे बेहतर आपको नहीं दिया जा सकता, नहीं मिल सकता। कनिष्क के काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में दो नवीन शैलियों का विकास हुआ। ये शैलियां थी गांधार शैली जिसे इंडो ग्रीक या इंडो रोमन शैली के नाम से जानते हैं। इसे हेलियोनिस्टिक शैली भी कहते हैं। वही यह शैली पूरी तरह से इस पर
इस पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, विदेशी प्रभाव था, जबकि मथुरा कला यह पूर्णतः भारतीय शैली थी। ये पूर्णतः भारतीय शैली के रूप में इसे हम सब जानते हैं। आइए देखते हैं, आपको इसका मुख्य केंद्र गांधार था और इस भारतीय एवं यूनानी शैली का प्रभाव था। इसके विषय तो भारतीय थे लेकिन निर्माण का ढंग यूनानी था, यानी ये इंडो ग्रीक की बात कर रहा है, ठीक ना, ये आपको इसकी बात कर रहा है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी आपको कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखो, इंडो ग्रीक शैली कहते हैं। इसमें मूर्ति का निर्माण काले स्लेटी पत्थरों से किया गया है। इस पत्थर में भौतिकता पर अधिक बल दिया गया है तथा महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति जैसी बनाई गई है, ये लाइन याद रखना। महात्मा बुद्ध अपोलो जो है कि आप देखोगे कान बड़ा सा आपको अपोलो का मिलेगा, यानी गांधार शैली में जो कान उन था ये आपको कहां का, तो अपोलो देवता के जैसा दिखाई देता है। इसमें महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अपने हिंदी शानदार किताब आप इसे परचेज कर सकते हैं, मात्र 299 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा ये आपको उपलब्ध किया गया है। वीडियो की किताब 199 रुपए में प्लस प्रैक्टिस सेट में बच्चा आपको मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट की कीमत फ्री है, यानी किसी तरह की आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेट कंबो की बुक, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट साथ में है, तो आप प्रैक्टिस सेट करने के लिए लगाने के लिए जरूर से किताबों को लीजिए। पेट की बुक जो है ये जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगी। ये बुक आपको बच्चा जो है के पेट वाली 300 रुपए में है और घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। आरो यारो की बच्चा ये हिंदी की बुक है, किसकी, हिंदी की बुक है और ये बड़ा ही शानदार से बुक है। इसमें 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक या 6 चैप्टर जो आरो यारो में पूछा जाता है, प्रत्येक टॉपिक से 500 क्विज भी आपको दिया गया है। तो इस किताब को जरूर से जो बच्चा आरो यारो की तैयारी करना चाहता है और हिंदी में यदि 60 में 55 अंक लाना चाहता है, 55 अंक, ठीक ना, ये अंक लाना चाहता है, तो ये किताब को जरूर परचेज कर सकता है और पढ़ सकता है। फ्री डिलीवरी, सभी ऑर्डर करिए शानदार तरीके से। यहां पे आपको 4 किताबें मिलेंगी, ये 4 किताबें ग्रामीण, जीएस, मैथ्स और आपको हिंदी, ये 4 किताबें आपको 300 रुपए में मिलेंगी और आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम सब मथुरा शैली या विशुद्ध भारतीय शैली थी। इसमें विषय और अलंकरण दोनों ही भारतीय थे। इसमें मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था। पीछे आप सब पढ़े होंगे कि यूनानी शैली में काले पत्थरों से निर्मित थी, जबकि इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग आपको किया गया था। महात्मा बुद्ध की सरल और सादा मूर्ति का निर्माण किया गया। इस शैली में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया। चरक के विषय में सुनिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें काय विज्ञान का प्रणेता, काय की, शरीर का, ठीक ना, काय विज्ञान का मतलब शरीर के विज्ञान का, आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता को माना जाता है, यह बात भी आप याद रखो।
नेक्स्ट, कुषाण शासक जो थे इनमें द्वैध शासन प्रणाली जो थी विद्यमान थी। यहां पे सिक्कों का इतिहास कर लो, सिक्कों का इतिहास, ठीक ना। ये कनिष्क के समय बहुत सिक्के उपलब्ध और ऐसे अनेक उत्कीर्ण लेख भी मिलते हैं जिनका कनिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध रहा। इसके अतिरिक्त बौद्ध अनुश्रुतियों में भी कनिष्क को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। ये बातें भी, बौद्ध धर्म में उसका स्थान अशोक से कुछ कम नहीं। इस प्रकार अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म बहुत पुष्पित पल्लवित हुआ था, ठीक उसी प्रकार कनिष्क के समय में भी बौद्ध धर्म का विकास जो है चतुर्दिक रूप से हुआ था। इसी कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये बात भी याद रखिए, द्वितीय अशोक के रूप में इसे हम सब जानते हैं। कनिष्क का आपको जो है राज्यारोहण राबाटक शिलालेख के अनुसार कनिष्क कुषाण वंश का चौथा प्रमुख शासक था, यह याद रखिए। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था, उसके ही कारण कुषाण वंश का भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया, जो कि इसकी राज्याभिषेक की तिथि भी मानी जाती है। कनिष्क के राज्यारोहण केस में कुषाण साम्राज्य अफगानिस्तान, सिंध का भाग, बैक्टीरिया एवं पर्शिया के प्रदेश सम्मिलित थे, यानी फारस की सीमा तक कुषाण वंश का विस्तार हुआ था। कनिष्क ने भारत में अपना राज्य मगध तक विस्तृत कर लिया, कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया और उसने वहां एक नगर बसाया जिसे हम कनिष्कपुर के नाम से जानते हैं। और ये जानकारी कहां से मिलती है, तो आपको कल्हण की राज तरंगणी से इस बात की जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। समझ में आया ना सबको, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के शासक के साथ हुआ, जहां एक बार पराजित होकर वह दोबारा विजयी हुआ। और उस समय चीन का सेनापति जो था, चीनी शासक का सेनापति पान चाओ था। पान चाओ ये याद रखना, ठीक ना। पान चाओ था, पहली बार कनिष्क ने पान चाओ से पराजित हुआ, लेकिन दूसरी बार कनिष्क ने पान चाओ को पराजित किया, क्योंकि कनिष्क एक साम्राज्यवादी या विस्तारवादी शासक था। इसने मध्य एशिया के कासगर, यारकंद, खोतान आदि प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार मौर्य वंश के पश्चात भारत पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें गंगा, सिंधु और ऑक्सस की घाटियां भी आपको जो है शामिल थी। ओकोकस की घाटियां भी इसमें सम्मिलित थी, यानी भारत से बाहर साम्राज्य को विस्तार करने वाला कनिष्क प्रथम शासक
हुआ, ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, इसका राज्य विस्तार। कनिष्क ने कुषाण वंश की शक्ति का पुनरुद्धार किया, यानी दूसरी बार कुषाण वंश की शक्तियों को स्थापित किया। सातवाहन राजा कुंतल सातकर्णी के प्रयत्न से कुषाणों की शक्ति छीन हो गई थी। अब कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण पुनः उत्कर्ष हुआ। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों को परास्त करके उसने न केवल पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपितु मध्य देश को जीतकर मगध से भी सातवाहनों के शासन का अंत कर दिया। कुमार लात नामक एक बौद्ध पंडित ने कल्पना मंडिता नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसका चीनी अनुवाद इस विषय पर उपलब्ध है। इस पुस्तक में कनिष्क के द्वारा दी गई पूर्वी भारत की विजय का भी उल्लेख प्राप्त होता है। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र में कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर उसे अपने अधीन किया और वहां के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडलू को प्राप्त किया। यह बहुत बड़ी बात है, ठीक ना? यानी अश्वघोष कहां के थे, तो पाटलिपुत्र के थे, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तिब्बती अनुश्रुतियों में भी कनिष्क को साकेत अर्थात अयोध्या पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है, और इस प्रकार साहित्यिक आधार पर यह ज्ञात होता है कि कनिष्क एक महान विजेता था और उसने उत्तर भारत के बड़े भूभाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। सातवाहन वंश का शासन जो पाटलिपुत्र से उठ गया, अब कनिष्क के हाथों में चला गया और कनिष्क उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। आरो यारो की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाई गई, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये मात्र 2499 रुपए में आपको श्रृंखला उपलब्ध है। इसमें डेली वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक ना? आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, भरपूर तरीके से इसकी तैयारी करिए। बौद्ध अनुश्रुतियों की बात कनिष्क के सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों पर भी पुष्ट होती है, यानी जो बौद्ध ग्रंथों में अनुश्रुतियों में आपको लिखा गया है वो बात कनिष्क के अभिलेखों में भी परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में दूर दूर तक मिले, ये पूर्व में रांची तक से मिले, यानी कह सकते हैं कि पंजाब से बंगाल तक कनिष्क के सिक्के प्राप्त किए गए, ये आप याद रखो। इस प्रकार उसके लेख पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में मथुरा और सारनाथ तक उसके राज्य के विस्तार के विषय में पुष्ट प्रमाण देते हैं, यानी एकदम सटीक जानकारी प्रदान करते हैं उसके समय के लिखे गए अभिलेख। सारनाथ में कनिष्क जो कि शिलालेख मिला है उसमें महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप विनस्पर के नाम आए हैं। ये क्षत्रप कौन थे? तो ये क्षत्रप बेटा शकों को कहा गया है, शकों की उपाधि थी क्षत्रप की, ठीक ना? ये याद रखिएगा।
पुराणों में सातवाहन या आंध्र वंश के बाद मगध का शासक वनस्पर को ही लिखा गया है। यह वनस्पर कनिष्क द्वारा नियुक्त मगध का क्षत्रप हुआ करता था, ये बात भी आप जो है याद रखिए। महाक्षत्रप खरपल्लान की नियुक्ति मथुरा के प्रदेशों पर की गई थी। उत्तरी भारत की यह विजय कनिष्क ने अपनी शक्ति द्वारा नहीं कर सका था। बल्कि उसने कूटनीतिक सहारा भी लिया था, ये बात भी आप याद रखिए। तिब्बती अनुसूतियों के अनुसार खोतान के राजा विजय सिंह के पुत्र विजय कीर्ति ने जुगान राजा तथा कनिष्क के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया था और साकेत को जीत लिया था। यानी यह सिर्फ कनिष्क का ही प्रयास नहीं था, बल्कि अन्य राजाओं ने भी उसके साथ मिलकर यह काम किया था। गुजान का अभिप्राय कुषाण से है, जो कनिष्क से, ठीक ना। सातवाहन की शक्ति को नष्ट करने के लिए कनिष्क ने सुदरवर्ती खेतान राज्य के राजा से भी सहायता लेनी पड़ी थी। यह बात सातवाहन साम्राज्य की शक्ति को सूचित करता है। यानी इस बात से यह पता चलता है कि कनिष्क के समय में सातवाहनों की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी। पाटलिपुत्र को जीतकर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया और अपने प्राचीन गौरव के कारण इसी नगरी को कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी होनी चाहिए थी, पर कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, इसलिए कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है कि यहां बनाना उपयुक्त नहीं समझा। अतः कनिष्क ने एक नए नगर पुरुषपुर आपको जो है नामक नगर के बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाई। और उसे पुरुषपुर नाम दिया, ये बात आप याद रखिए, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। कनिष्क की दो राजधानियां, अब देखिए, एक पुरुषपुर और एक मथुरा। पुरुषपुर में कनिष्क ने बहुत सी इमारतें बनवाई, इनमें प्रमुख एक स्तूप है जो 400 फीट ऊंचा है, जिसमें 13 मंजिला, उस समय सोच लीजिए क्या टेक्निक बनाई होगी, 13 मंजिला आपको थे। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन एन तवांग महाराजा जय हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी वेन शोंग, इसे वेन तवांग का मतलब है वेन शोंग, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में भारत भ्रमण करने आया, तो कनिष्क द्वारा निर्मित इस विशाल स्तूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। कुसुमपुर के मुकाबले, यानी जो पुराना पाटलिपुत्र था उसके मुकाबले, पुरुषपुर को उसने विद्या, धर्म और संस्कृति का केंद्र बनाया, जिसमें संदेह नहीं कि कुछ समय के लिए पुरुषपुर के सम्मुख प्राचीन कुसुमपुर का वैभव भी मंद पड़ गया था। यानी इतना अच्छे तरीके से कुसुमपुर को कनिष्क के द्वारा बसाया जाता है, ऐसा उसने अपने साम्राज्य को बसाने के पीछे का जो कारण है वो कारण ये रहता है कि कनिष्क का साम्राज्य चुके देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में ज्यादा विस्तृत था। ऐसी स्थिति में कनिष्क ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य भाग में रहना ज्यादा उचित समझा और अपने साम्राज्य को दो मध्य भागों में विभाजित किया। जो आपको उत्तर का भाग था उसकी राजधानी पुरुषपुर को बनाई और जो पूर्व का प्रांत था उसकी राजधानी
आपको जो है कि मथुरा को बनाई, मथुरा कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी भी हुआ करती थी। कनिष्क केवल उत्तरी भारत की विजय से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने मध्य एशिया के क्षेत्र में भी अपनी शक्ति का विस्तार का प्रयत्न किया। मध्य एशिया के खोतान राज्य की सहायता से कनिष्क उत्तरी भारत की विजय कर सका। इस युग में चीन के सम्राट इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करें। चीन ने सुप्रसिद्ध सेनापति पान चाओ को 73 से 78 ईस्वी के लगभग में साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय प्रारंभ की और मध्य एशिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पान चाओ की विजय के कारण चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर तक पहुंच गई। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि कुषाण राज्य भी चीन के निकट संपर्क में आ गया। पान चाओ की इच्छा थी कि कुषाणों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, इसलिए उसने विविध बहुमूल्य उपहारों के साथ अपने राजदूत कुषाण राजा के पास भेजे। कुषाण राजा ने इन दूतों का यथोचित स्वागत किया, पर चीन के साथ अपनी मैत्री को स्थिर रखने के लिए यह इच्छा प्रकट की कि चीनी सम्राट अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दे। कुषाण राजा की इस मांग को पान चाओ ने अपने सम्राट के सम्मान के विरुद्ध समझा, परिणाम स्वरूप यह हुआ कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और कुषाणों ने एक बड़ी सेना पान चाओ के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेजी। इस पर युद्ध में यूची सेना की पराजय हुई, पर कुषाण राजा इस पराजय से निराश नहीं हुआ। हमारी संस्था के द्वारा आपको जबरदस्त तरीके से वीडियो की बैच लॉन्च की गई है, आप इसे शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्स 1,299 रुपए में आपको उपलब्ध है, आप सब इसे जरूर से पढ़ें और इसका भरपूर लाभ लें। चीनी सेनापति पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने पहली पराजय का प्रतिशोध करने के लिए एक बार चीन पर पुनः आक्रमण किया। इस बार वह सफल रहा और मध्य एशिया के अनेक प्रदेशों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। खोतान और यारकंद के प्रदेश इसी युद्ध में विजय के कारण कुषाणों के साम्राज्य में सम्मिलित हुए थे। अब देखो छत्रपों एवं महाछत्रपों की नियुक्ति। इतने विस्तृत साम्राज्य के शासन के लिए सम्राट ने छत्रपों और महाछत्रपों की नियुक्ति का उल्लेख उसके लेखों में मिलता है। स्थानीय शासन संबंधी ग्रामिक तथा ग्राम कुटक और ग्राम वृद्धक पुरुष और सेना संबंधी दंडनायक तथा महादंडनायक आदि अधिकारियों का उल्लेख उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क और बौद्ध धर्म। किद्वंतियों के अनुसार कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष नामक विद्वान दार्शनिक को अपने साथ ले गया और उसी के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और बौद्ध धर्म अपनाया। उसके समय में कश्मीर में कुंडलवन विहार अथवा जालंधर में चतुर्थ बौद्ध संगति जालंधर नहीं बेटा चतुर्थ बौद्ध संगति प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र के अध्यक्षता में संपन्न हुई। वेनसोंग के मता अनुसार कनिष्क की संरचना तथा आदेश अनुसार इस संगति में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन
आपको जो है संस्करण तैयार किया गया। इसके समय में बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव आपको हुआ। कुछ विद्वानों के मतानुसार गांधार कला का स्वर्णयुग भी इसी समय था, पर इस अन्य विद्वानों के अनुसार इस सम्राट के समय उपयुक्त कला उतार चढ़ाव पर भी थी। नेक्स्ट, एक सद विप्रा बहुधा वदंती की धार्मिक भावना को उसने अपने क्रियात्मक स्वरूप दिया और कनिक्स बहुत तेजी से सिक्के वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं। इन पर यवन, जरूथ्री और भारतीय सभी तरह के देवी देवताओं के प्रतिमाओं का आपको अंकन मिलता है। ईरान के अग्नि जिसे आतस कहा गया है, चंद्र जिसे माह कहा गया है, सूर्य जिसे मिहिर कहा गया है, ग्रीक देवता हेलिया, प्राचीन एलन की देवी नाना, भारत के शिव, स्कंद, वायु और बुद्ध, ये सब देवता इसके सिक्कों पर आपको अंकित मिलते हैं। इसके द्वारा यह सूचित होता है कि कनिक्स सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान रखता था और सर्व धर्म संभाव की दृष्टि से कार्य किया करता था। इसका कारण एक और भी हो सकता है कि कनिष्क के विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी विभिन्न लोगों द्वारा निवास करते हो, विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हो और उसने साम्राज्य अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए सभी धर्मों के सिक्कों यानी सभी धर्म के जो देवता थे उन देवताओं को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पर इस बात में कोई संदेह नहीं कि कनिष्क बौद्ध मत का अनुयायी था और बौद्ध इतिहास में उसका नाम अशोक के समान ही महत्वपूर्ण लिया जाता है। आचार्य अश्वघोष ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इस आचार्य को पाटलिपुत्र से अपने साथ लाया था और इसी से अपने बौद्ध धर्म के दीक्षा भी ग्रहण की थी। सूर्य उपासक सम्राट कनिष्क भारत में सक संबद 78 ईस्वी में प्रारंभ करने वाला कुषाण सम्राट कनिष्क था। इसकी गणना भारत ही नहीं बल्कि एशिया के महानतम शासकों में की जाती है। इसका साम्राज्य मध्य एशिया के आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन के आधुनिक सिक्यांग और कांसु प्रांत से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत के बिहार एवं उड़ीसा तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कनिष्क ने देवपुत्र साहिने शाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुषाण जो थे बैक्टीरियाई बैक्टीरिया में शासन किया करते थे जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी उज्बेकिस्तान और दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था। कुषाण हिंद ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और मुख्य रूप से मिहिर अर्थात सूर्य के उपासक भी माने जाते थे। सूर्य का एक पर्यायवाची मिहिर है जिसका अर्थ है जो वह जो धरती को जल से सींचता है, समुद्रों से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारे संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो शानदार तरीके से आप इसे जरूर से पढ़िए, आप सबके लिए शानदार बातें हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से इंटरटेनिंग टाइप की आपको क्लास मिल रही है, आप इसका भरपूर फायदा लीजिए, ठीक ना, ये आप याद रखो। कनिष्क के सिक्के। कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरो अर्थात मिहिर को अंकित कराया था जो इस बात का प्रतीक है कि ईरान का सौर संप्रदाय भारत में प्रवेश कर
गया था। ईरान में मित्र या मिहिर पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत के सिक्कों पर भी सूर्य का अंकित किसी शासक द्वारा पहली बार आपको मिलता है। सम्राट कनिष्क के सिक्कों में सूर्यदेव बाईं ओर खड़े हैं, सूर्यदेव बाईं ओर और वह खड़े हैं। बाएं हाथ में दंड है जो रक्षा से बंधा हुआ है। कमर के चारों ओर तलवार लटकी हुई है। सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में है। पेशावर के पास से शाहजी की ढेर नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेष बक्सा प्रांत से आपको प्राप्त हुआ है, जिसे कनिष्क कास कास्केट कहते हैं। इस पर कनिष्क के साथ सूर्य एवं चंद्र के चित्र भी अंकित मिलते हैं, ये बात भी आप ध्यान दीजिए। इस कास्केट पर कनिष्क के संवत का प्रथम वर्ष अंकित है, ठीक ना। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिले हुए। कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर उसे बलिवेद पर बलि चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। कनिष्क के सोने सिक्कों पर रोम के सिक्कों से काफी कुछ मिलता जुलता आपको मिलता है। मथुरा संग्रहालय, इसके विषय में देखते हैं हम सब। मथुरा के संग्रहालय से लाल पत्थर के अनेक सूर्य प्रतिमाएं रखी हैं, जो कुषाण काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ये बात इसमें भगवान सूर्य को चार घोड़ों के रथ में बैठा हुआ दिखाया गया है। वे कुर्सी पर बैठने की मुद्रा में पैर लटकाए हुए हैं। उनके दोनों हाथों में कमल की एक एक कली है और उनके दोनों कंधों पर सूर्य पक्षी गरुड़, ठीक ना, जैसे दो छोटे पंख लगे हुए हैं। उनका शरीर औदिच्य वेश अर्थात ईरानी ढंग की पगड़ी, कामदानी के चोंगे और सलवार से ढका हुआ है। वे ऊंचे ईरानी जूते पहने प्रतीत होते हैं। उनकी वेशभूषा बहुत कुछ मथुरा से प्राप्त है। सम्राट कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा जैसी है। भारत में सूर्य के सबसे प्राचीन मूर्तियां आपको जो है कनिष्क काल से ही प्राप्त होती है। कुषाणों से पहली सूर्य की प्रतिमा आपको जो है ये नहीं मिलती। भारत में उन्हें ही सूर्य प्रतिमा का उपासना का चलन आरंभ किया और उन्हीं के द्वारा सूर्य की वेशभूषा जैसी बताई गई वो वैसे स्वयं धारण करते थे। प्रथम सूर्य मंदिर, भारत में प्रथम सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी, जिसे कुषाण शासकों के द्वारा कराया गया था। पुरातत्व वेता कनिंघम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहले नाम कासापुर और उसका यह नाम कुषाणों से संबंधित होने के कारण पड़ा था। वह सूर्य और अतर के अतिरिक्त अन्य भारतीय और यूनानी देवताओं का भी उपासक था। उसके काल के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म में कथित धर्मांतरण के बाद भी वह अपने पुराने देवताओं का बहुत सम्मान किया करता था। जगत स्वामी मंदिर का निर्माण दक्षिणी राजस्थान में स्थित भीनमाल, ठीक ना, ये भीनमाल जहां पे आपको जो है कि वेन सॉन्ग गया था। भीनमाल नगर में सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगत स्वामी मंदिर का निर्माण कश्मीर के सम्राट कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। मारवाड़ एवं उत्तरी गुजरात कनिष्क के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ये बात भी आप याद रखो। भीनमाल के जगत स्वामी मंदिर के अतिरिक्त कनिष्क ने करडा नामक झील, ठीक ना, ये करडा नामक झील का निर्माण करवाया था। भीनमाल से 7 कोस पूर्व में कनकावती नामक नगर बसाने का श्रेय भी आपको कनिष्क को जाता है। कहते हैं भीनमाल के वर्तमान निवासी देवड़ा या देवरा लोग, जो कि श्रीमाली ब्राह्मण कनिष्क के साथे कश्मीर से आए थे।
इसके समय में कार्तिकेय देव की भी पूजा होती थी। कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा आरंभ की थी। कुषाण कालीन व्यापार के विषय में कह सकते हैं कि इनका चतुर्देक व्यापार का विस्तार हुआ था। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंधों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में मिलता है। इस पुस्तक में रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के काली मिर्च, अदरक, रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, रत्न, मोती आदि का उल्लेख मिलता है। आयात की जाने वाली वस्तुओं में मूंगा, लोसन, कांच, चांदी, सोना का सोने का बर्तन, रंगा, सीसा, आपको जो है गीत गाने वाले लड़कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत मुख्यतः सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह, आपको बारवैकियम और भड़ौच से आपको व्यापार किया करता था। दक्षिण भारत से इसमें अरिकावेडु, मुजरिस, कावेरी पत्तनम, ये एक में होगा ठीक ना, कावेरी पत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाह थे, जिसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। अरिकावेडु बंदरगाह जिसे पोडक कहते हैं और ये वर्तमान में पांडिचेरी या पुदुचेरी से बोलते हैं, पुदुचेरी कर लो ठीक ना, पुदुचेरी में आपको अरिकावेडु स्थित है। बेरीगाजा भड़च अथवा भरुकच पश्चिमी तट पर स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह और प्रवेश द्वार था। रोम से भारत आ रहे लोगों की मात्रा पर ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है ठीक ना, तो ये बातें आप याद रखो। चतुर्थ बौद्ध संगति, कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में आपको जो है एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें 500 विद्वान सम्मिलित हुए। अश्वघोष ने गुरु आचार्य वसुमित्र और पार्श इसके प्रधान थे, वसुमित्र को महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध सिद्धांतों को स्पष्ट करने और विभिन्न संप्रदायों को विरोध को दूर करने के लिए महाविभास नामक एक विशाल ग्रंथ तैयार किया। यह ग्रंथ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में जाना जाता है। यह संस्कृत भाषा में था और इसे ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया। कुषाण साम्राज्य का ह्रास, कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य ह्रास प्रारंभ हुआ और इसका उत्तराधिकारी हुविस्क था। वह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथों से निकल गया। अगला शासक वसुदेव था, वह विष्णु का और शिव का उपासक था। उसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा प्रांत कुषाणों के हाथों से निकलकर शकों के हाथों में चला गया और उसकी जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत कमजोर हुए। कालांतर में इस वंश का पतन जबरदस्त तरीके से हुआ और पतन हो गया। कलहण की राज तरंगणी में जुशस्कपुर को कुषाण सम्राट कनिष्क के उत्तराधिकारी जुस्क या हुविस्क के द्वारा बसाया गया है। कुछ विद्वानों के मत में कनिष्क का उत्तराधिकारी वशिष्क था, जिसका उल्लेख आरा अभिलेख में वाभेक्ष के रूप में हुआ है। तो इस तरीके से आप सब जो है नितिन सर के हैंड रिटेन नोट को शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ के रूप में है, किसमें है, पीडीएफ के रूप में है, जबरदस्त इसे जरूर से पढ़िएगा और आप सबके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। वशिष्क प्रथम ठीक ना, ये आप याद करना। वशिष्क प्रथम जो था ये 140 से 150 ईस्वी के आसपास का है।
वशिष्ठ प्रथम कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बाद विशाल कुषाण साम्राज्य का स्वामी था। इसका शासनकाल 100 ईस्वी से लेकर 108 ईस्वी के लगभग रहा। इस राजा का यानी यहां पे जो डेट दिया है बेटा, ये डेट गलत दिया है, यानी यहां 100 करना चाहिए, 100 से लेकर टाइप बाबू लोगों से मैं त्रस्त हो गया हूं। कुछ भी टाइप कर देते हैं भाई, 100 से लेकर 108 ईस्वी, ठीक, ये याद रखना। इसका राजा कोई भी सिक्का अब तक उपलब्ध नहीं है, पर इसके साथ संबंध रखने वाले कतिपय उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। वशिष्ठ के शासनकाल में कनिष्क द्वारा स्थापित कुषाण साम्राज्य अक्षुण दशा में रहा और उसने कोई क्षीणता नहीं आई। वस्तुतः वशिष्ठ ने कुषाण साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया, क्योंकि सांची से प्राप्त एक अभिलेख में सूचित होता है कि विदिशा भी राज तीराज देवपुत्र शाही वासस्क की अधीनता में था। कुषाण शासक वशिष्ठ यहां वशिष्ठ के अधीनता में था। दो राज शक्तियां प्रधान थी, उत्तरापथ कुषाणों के अधीन और दक्षिणापथ सातवाहनों के अधीन। पहले विदिशा सातवाहनों के अधीन थी, पर वशिष्ठ के समय में उस पर कुषाण वंश के स्थापना हुई थी। अब यहां पे हुविस्क अगला हुए, फिर वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, तो ये अन्य उत्तराधिकारी आपको हुए। तो इस तरीके से आप सबने शानदार तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको जो है कि एक डिटेल, लंबा डिटेल, एक घंटे का आप डिटेल देखे। आप सब ऐसा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।